Dodo TV. मस्तीपुर के मर्दों को गांव के बाहर बने नृत्यशाला में जाने का बड़ा शौक था। हर शनिवार की रात वहां नीलिमा नाम की लड़की डांस करने आती थी और सभी मर्द उसका डांस देखने बड़ी संख्या में जाते थे। पिछले 10 सालों से ये सिलसिला हर शनिवार को चल रहा था। इस बार भी जैसे ही शनिवार आया, सब लोग रात के 9 बजे डांस देखने पहुँच गए। आज तो लेट हो गई नीलिमा। अरे नहीं भाई, तुम जल्दी आ गए हो। गांव के लोग हंसने लगते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी नीलिमा नहीं आती। धीरे धीरे लोग वहां से जाना शुरू कर देते हैं। अब कुछ ही लोग वहां बचते हैं। मुकेश और रमेश अभी भी वहीं रुकते हैं, क्योंकि दोनों दोस्तों को गांव में डांस का सबसे ज्यादा शौक था। तभी अचानक किसी की पायल की आवाज आती है। आवाज इतनी प्यारी और मनोहर होती है कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तभी एक बहुत सुंदर लड़की सामने आ जाती है और डांस करने लगती है। सब लोग एक टक उसी को देखते हैं और जैसे उसके वश में हो जाते हैं। कितनी सुंदर है ये, और क्या खनक है इसकी पायल में। अच्छा हुआ नीलिमा कभी नहीं आएगी। तुम्हें कैसे पता? वो तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर नीलिमा कहाँ रह गई। पर इस लड़की की पायल की खनक में वो लोग नीलिमा को याद नहीं कर पा रहे थे। उनको ये लड़की नीलिमा से कहीं ज्यादा सुंदर और अच्छी डांसर लग रही थी। लड़की के सामने रखा बक्सा गांव वालों ने पैसों से भर दिया था। जैसे ही डांस खत्म हुआ और वो वहां से जाने लगी, रमेश और मुकेश उसके पीछे पीछे चलने लगे। या फिर यूं कहें कि उसकी पायल की आवाज के वश में वो खुद को रोक नहीं पाए। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम कौन हो? मैं नीलिमा की बहन रागिनी हूँ, और अब से मैं ही डांस करने आया करूंगी। तुम कहाँ रहती हो? यहीं पास में ही मेरा घर है, तुम्हें देखना है? हाँ क्यों नहीं, चलो। मुकेश तो जैसे मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे ही चलने लगता है। रमेश उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको बताता है कि ऐसे ही किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। मगर मुकेश नहीं सुनता और रागिनी के साथ चला जाता है। अगले दिन शाम को गांव वालों को बीच सड़क में मुकेश की लाश मिलती है। रमेश को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। आश्चर्य की बात ये कि मुकेश की आंखें उसके जिस्म में नहीं थी। ऐसे लग रहा था मानो किसी ने उसकी आंखें नोचने के बाद उसको मारा हो। गांव के लोगों के चेहरे पे खौफ साफ देखा जा सकता था। इस घटना के बाद हर शनिवार की रात को एक एक करके गांव के लोगों की आंखें नोची हुई लाश मिलने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का काम है या इंसान का। लगता है अब मुझे ही कुछ पता लगाना होगा। ये सारी करनी धरनी मुझे उस रागिनी की लगती है। रमेश को रागिनी पर ही शक था, और हो भी क्यों ना। जिस भी आदमी की लाश मिल रही थी वो सभी शनिवार को रागिनी का डांस देखने गए थे। रमेश ने इसके पीछे का सच पता लगाने का इरादा बनाया। वो अगले शनिवार की रात को डांस देखने पहुंच गया। डांस के बाद उसने देखा कि पायल की खनक के पीछे पीछे गांव का एक आदमी रागिनी के साथ साथ जा रहा है। उसने दोनों का पीछा किया। रागिनी उस आदमी को लेकर गांव के बाहर बने पुराने बंगले में चली गई। रमेश भी उनके साथ साथ अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि रागिनी उस आदमी को एक कमरे में लेकर चली गई, और वो आदमी जैसे ही उस कमरे में गया, वहां एक चुड़ैल प्रकट हुई। वो तेज तेज हंसने लगी। उस आदमी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। रमेश के मुंह से अचानक निकल गया, अरे ये तो नीलिमा है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो सबको सुनाई दी। रमेश को समझ आ गया कि उसको सबने देख लिया है। चुड़ैल की नजर अब रमेश पर थी। उसने अपने हाथ लंबे करके रमेश को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। रमेश चीखने लगा,
चिल्लाने लगा। डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। इसी बीच मौका पाकर जैसे ही दूसरा आदमी वहां से भागने लगा, चुड़ैल ने दूसरे हाथ से उसको भी पकड़ लिया और अपने नाखून से उसकी दोनों आंखें निकाली। वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया। ये सब रमेश की आंखों के सामने हुआ। वो बोलने लगा, तुम तो नीलिमा हो, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं नीलिमा हूँ, याद कर मुझे। मुझे माफ कर दो नीलिमा, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई थी। आखिर रमेश ने ऐसा क्या किया था कि वो चुड़ैल से माफी मांग रहा था? चुड़ैल ने बोलना शुरू किया, मुझे पता था कि तू एक दिन यहाँ जरूर आएगा। मुझे याद है उस शनिवार को मेरे डांस के बाद तू मेरा पीछा कर रहा था। मैं तेज तेज चलने लगी तो तूने भागकर मुझे पकड़ लिया और यहाँ लाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मैंने मना किया तो तूने मुझे मार दिया। उसके बाद से मैं एक चुड़ैल बन गई, पत्नी की आग में जलने लगी। फिर मैंने अपनी बहन को बेचना शुरू किया और जो भी अपनी गंदी नजर डाल के उसके पीछे आया मैंने उसको मार डाला। मुझे पता था कि तू जरूर आएगा और मेरा बदला पूरा होगा। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो नीलिमा। दीदी, इसको बिल्कुल माफ मत करना। ऐसे लोगों की वजह से कितनी लड़कियों का जीना हराम हो जाता है। इसको बिल्कुल माफ मत करना दीदी। हाँ, ये मेरा आखिरी शिकार होगा और इसके बाद मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रमेश ने गलती तो बहुत बड़ी की थी, पर उसे नहीं पता था कि उसको इसकी सजा ऐसे मिलेगी। नीलिमा ने धीरे धीरे अपने नाखूनों से उसकी आंखें नोच ली। वो तड़पता रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपने नाखून उसके सीने में घुसाए और तब तक बाहर नहीं निकाले जब तक रमेश की सांसें बंद नहीं हुई। रमेश की लाश को उसने बीच सड़क पे फेंक दिया और हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब। इस घटना के बाद गांव में कोई और घटना नहीं हुई और अब शनिवार को भी वहां कोई लड़की डांस करने नहीं गई। पूरा गांव हंसी खुशी पहले की तरह रहने लगा। मंटू आज बहुत खुश था, आज उसकी शादी जो थी। माँ, आज जितना काम करना है कर लो, कल से तुम्हें एक काम न करने दूंगा। तो बेटा, क्या तेरी शहरी दुल्हन काम करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी पहले ही बहुत तपस्या कर ली। अब शादी के बाद आप शहर चल के हमारे साथ रहोगे और आप कोई भी काम नहीं करोगे। बेटा, तूने इतना कह दिया, यही बहुत है। तू जा और अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जी। कहाँ मुझ बुढ़िया के चक्कर में रहेगा। मैं यही इस कोठी में तेरे पापा की यादों के साथ रह लूंगी। अब जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर माँ मंटू की बलाएं लेने लगती है और उसको उसके कमरे के बाहर छोड़ के आती है। मंटू एक्साइटेड होकर रूम में चला जाता है। अंदर जाते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, पर्दे उड़ने लगते हैं, दुल्हन की आंखों का कलर बदल जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो मंटू को अटैक कर देती है। दूसरे दिन सुबह जब माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है मंटू मरा पड़ा हुआ है और बहू के हाथों में खून लगा है और दूर एक दिल पड़ा हुआ है। तूने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं माँ जी, मैंने नहीं मारा। तो क्या रात में भूत आया था? माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। मंटू की मां बहू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब,
इसने मेरे बेटे को मार दिया। आप आराम से मुझे बताएं हुआ क्या है। कल मेरे बेटे की शादी हुई थी और इनकी सुहागरात थी और मेरे बेटे का खून हो गया। इसी ने मेरे बेटे को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं तो मंटू से प्यार करती थी, मैं भला उसे क्यों मारूंगी। मैं भी तो बाहर वाले रूम में थी, कोई बाहर से आया ही नहीं, तो क्या भूत मार गया मेरे बेटे को। ये आपका जो केस है, इस तरह के पहले 5 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। हो सकता है आपकी बहू सही कह रही हो। मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत कह रहा है, मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। सर, ये बिल्कुल उसी क्राइम सीन की तरह है जो हमने लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन किया था ना। हाँ, देख लो कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस मिल जाए तो। वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाते। सर, मैंने बॉडी को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। ओके, पहले भी सारे फिंगरप्रिंट्स जो आए हैं वो दुल्हनों के ही थे और दुल्हनों को कुछ याद नहीं था। हाँ सर, 5 में से किसी दुल्हन को कुछ भी याद नहीं, कहीं कोई और चोर नजर नहीं आ रहा इस केस का। सर, इनोसेंट लोगों की जान चली गई है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और डर भी। अरविंद, ये 5वां केस है, अगर अब भी हम तय तक नहीं पहुंचे तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। सर, गांव में हल्ला है कि ये किसी भूत का काम है। ऐसा नहीं हो सकता। पर सर, आप भी सोचिए ना कि इतने दिनों में हमें इस केस का कोई लिंक क्यों नहीं मिल पा रहा। तुम किस बुनियाद पे बात कर रहे हो। सर, हर बार सुहागरात वाले दिन ही दूल्हा मर रहा है। सारे सबूत कहते हैं कि दुल्हन ही मर रहे, पर दुल्हन को कुछ याद नहीं रहता। आश्चर्य की बात तो है कि मंटू की दुल्हन हो या बाकी दुल्हन, इतनी आसानी से दुल्हनों को पटक कर बिना किसी औजार के उसके सीने से दिल निकाल लेना। इतनी ताकत उसमें कहां से आ जाती है, और नाखून इतने खतरनाक हो जाते हैं क्या। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, उसे देखते हुए वो लोग बातें करते हैं। जैसा सोचा था वही आया, ये खून भी दुल्हन के हाथों से ही हुआ है। अच्छा सुनो, पता करो गांव में अगली शादी किसकी है। सर, अगली शादी तो 15 दिन बाद आपकी है। उससे पहले किसी और की तो नहीं है। सब लोग डर रहे हैं, अभी सैटरडे को एक की थी, उसने कैंसिल कर दिया, अब तो आप ही की होगी। चल अच्छा है, मेरी शादी में अब इस केस का रिजल्ट पता चलेगा। सर, आप कैसी बात कर रहे हो, आपको पता है ना कि आप मर भी सकते हो। अरे, इतने इनोसेंट लोग मर रहे हैं, किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर अरविंद को सारी प्लानिंग समझाता है, दोनों बात करते हैं, और फिर 15 दिनों के बाद इंस्पेक्टर विवेक और अवनी की शादी की तैयारी हो रही है। इंस्पेक्टर के घर में फूल पत्तियों के डेकोरेशन के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, और इंस्पेक्टर के बेडरूम को अच्छे से सजाया जाता है। शादी के बाद जब वक्त आता है सुहागरात का, तब इंस्पेक्टर बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स बाहर खड़ी रहती है, अरविंद भी अपने कुछ कलीग के साथ रूम के दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी नजर रखे होते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर जाता है, वैसे ही डरावना माहौल बन जाता है। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, आंधी तूफान आ जाता है, दुल्हन की आंखें काली हो जाती है और उसकी स्किन का कलर काला होने लगता है। इतनी सुंदर लड़की किसी चुड़ैल की तरह दिखने लग जाती है। अवनी, आने में बड़ी देर लगा दी। विवेक, जो अभी तक भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं करता था, ये देखकर बहुत डर गया, इतना घबरा गया कि वो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करना ही भूल गया।
अब अवनी उठकर उसकी तरफ बढ़ती है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। डार्लिंग, वो तो तुम्हारा ही है। नहीं, मेरा नहीं है। तुमने तो 2 साल पहले ही मेरा दिल चुरा लिया था। नहीं, मेरे पास दिल नहीं है, मुझे दिल चाहिए। अभी तक किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हो पाया है। इतना कहकर वो विवेक पर कूद जाती है, उसे जमीन पर पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके सीने पर मारने लगती है। आज ये दिल मेरे सीने में लग जाए, बस फिर मैं वापस पूरी हो जाऊंगी। मुझे ऐसे मार के तुम्हें दिल क्यों चाहिए? मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगी और फिर दिल निकाल लूंगी। इसी बीच किसी तरह से विवेक अपने सहयोगियों को मैसेज भेजने में सफल हो जाता है। वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और अवनी को विवेक से अलग करके सोफे पर बांध के बिठा देते हैं। चलो अब आराम से बात करते हैं। तुम सब एक जैसे हो, बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरा दिल क्यों चाहिए था? बाकियों को भी तुमने इसीलिए मारा क्या? तो दिल तो तुमने सबका उनकी लाश के साथ ही छोड़ दिया। किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हुआ। तुम्हारा दिल कहाँ है? मेरे पति ने सुहाग रात वाले दिन मेरे सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया था। तो तुम उसके किए की सजा दूसरों को क्यों दे रही हो? मुझे सारे दिलों में वही दिखाई देता है। तुम क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। उसने शादी करके मुझे मार दिया, मेरे सारे अरमानों को पानी फेर दिया। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम शांत हो जाओ पहले। उसने मेरी जिंदगी छीन ली, मैं शांत रहूं? उसने मुझे पहले मारा, फिर मुझे अपने घर के पीछे बगीचे में दफना दिया। और मेरे घर वालों से आज भी पैसे मांगता है, उन्हें परेशान करता है। क्या नाम है उसका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? जैसे ही अवनी आगे कुछ बोलती, उससे पहले अरविंद पुलिस फोर्स को साइड हटाते हुए आगे चला। हटो हटो, मुझे देखने दो। अरविंद, अच्छा तो तुम आए गए मेरे पास। तू एक आत्मा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास अवनी का शरीर है और मेरी ताकत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरविंद अपना पिस्टल निकाल लेता है, सब लोगों के सामने विवेक को गन पॉइंट पर रखकर बोलता है, बंद करो ये बकवास, इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं रोक दो, अब इस केस को तांत्रिक बाबा ही सुलझा सकते हैं। तभी अवनी अपनी सारी रस्सियों को तोड़कर उड़ के आकर अरविंद पर कूद जाती है और जमीन पर लिटाकर मार मार कर उसके सीने से दिल निकाल लेती है और उसको अपने सीने से लगाते हुए खूब जोर से हंसती है और फिर बेहोश हो जाती है। दरअसल अरविंद ही उस आत्मा का पति था। विवेक अपने सहयोगियों के साथ उस बगीचे में जाता है जो उस आत्मा ने बताया था। पुलिस जब चेक करती है तो वहां उन्हें जमीन खोदने पर एक मानव कंकाल मिल जाता है। वो उसे निकलवा लेता है और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाता है। तब जाकर उस आत्मा को शांति मिल जाती है और गांव में फिर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता है। अच्छा शहर छोड़ के गांव क्यों जा रहे हैं?
बेटा मम्मी पापा का ट्रांसफर हो गया है ना मौजपुर में, बताया था, अब हम तीनों यहीं रहेंगे। कितना सुंदर गांव है ना ये, बहुत मजा आएगा यहाँ रहने में। हाँ, गांव का नाम ही मौजपुर है तो मौज तो होगी ही। सरकार आप आए बाहर आई। अरे बाहर नहीं, बाहर कंजर आदमी। डार्लिंग आई लव यू। सुंदर गाड़ी से सामान निकाल लो सारा, और कुछ बढ़िया खाने का इंतजाम करो, बड़ी भूख लगी है। कितना बड़ा घर है, वाओ। पुराना भी है, शायद बहुत दिनों से कोई आया नहीं है यहाँ। बस एक कोई बात हम कहेंगे कि स्टोर रूम में ना जाए कोई भी, शापित है वो, उको ना खुली कभी। अकचुम्मा तू हमका उतार दई दे, और बदले में नींबू अचार लई ले। चाहिए नींबुआ का अचार। अरे क्या हुआ सुंदर? कछु नहीं सरकार, चूहा चढ़ गया था पैर पे। चूहे से डर गया। जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। हाँ चल रही हूँ, रूही को बाय तो बोल देती हूँ। रूही बेटा कहाँ हो तुम? रात इतनी तेज आंधी आई, सब बिखर गया, पूरा घर कबाड़ बन गया है। सुंदर घर ठीक से साफ करना। बाय मम्मी, बाय पापा। मेरे कृष्ण कन्हैया, ये मनहूस गुड़िया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलक उजागर, मना किए थे आपको स्टोर रूम में जाने से। मना किए थे आपको स्टोर रूम में जाने का, अब कोई ना बची, सब मारी जाए, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। क्या अजीब लोग हैं। अच्छा चलो, अब लेट हो रहे हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर रोटी अचार की। अरे आ रही हूँ बाबा, एक तो पूरा घर साफ किया आकर, इतनी थकान हो गई है क्या बताऊं। रूही चलो खाना खाओ, डॉल को अलग रख दो।
आई हो बस इसी में लगी हुई हो। सच में मनहूस है ये। ये थे बच्चा इस स्टोर रूम में अंदर एक ना सुनी हमरी। रूही रूही बेटा उठो। बच्चा चल यहाँ से बेटा, अब कब हो वापस ना यहाँ।